नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट इंडियन मुस्लिम सुपरस्टार आमिर खान। जी हां, आमिर खान इज डिवोर्सिंग हिज सेकंड वाइफ किरण राव। आमिर खान वाज मैरिड टू रीना दत्त बट ही डिवोर्स्ड हर 15 इयर्स बैक एंड नाउ ही इज डिवोर्सिंग किरण राव। ही हैज चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ हिज हिंदू वाइफ्स। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत के अंदर एक अंडरलाइनिंग थॉट प्रोसेस है इवन अमंग द सेक्युलर मुस्लिम्स एंड दैट इज लव जिहाद विच इज वेरी वेरी स्केरी। अनपढ़ मुस्लिम्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती जो ऑब्वियसली मदरसा से पास आउट होके हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं बाय देयर रिलीजियस प्रीचर्स दैट यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू ट्रैप हिंदू गर्ल्स, गेट देम मैरिड, गेट देम प्रेग्नेंट एंड देन ऑब्वियसली डंप देम। मगर अगर इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स भी ये कर रहे हैं भारत के अंदर बिकॉज दे आर सपोर्टिंग गजवाए हिंद दैट इज मेकिंग इंडिया अ इस्लामिक नेशन, दैट दिस इज अ वेरी वेरी स्केरी थॉट प्रोसेस। आमिर खान रीसेंट डिवोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। हमने देखा है कि बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी शादियां हैं जहां पर मुस्लिम मेन हैव मैरिड हिंदू वुमेन। सैफ अली खान्स फर्स्ट वाइफ वॉज अमृता सिंह, नवाजुद्दीन वाइफ वॉज अ हिंदू लेडी, ओमर अब्दुल्ला वॉज मैरिड टू पायल हु वॉज हिंदू। ये सब मैं इसलिए आप लोगों के साथ कह रही हूँ क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से अनकॉन्शियसली ऑल्सो इंटेलेक्चुअल पीपल आर सपोर्टिंग लव जिहाद। गौरी खान इज अ हिंदू, शी इज मैरिड शाहरुख खान बट शी वॉज अ हिंदू वेन शी मैरिड शाहरुख खान, नाउ शी हैज चेंज्ड हर सरनेम टू गौरी खान विच इज अ पर्सनल चॉइस। यहां पर इंटरफेथ मैरिज के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, इंटरफेथ लव के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, बट बहुत शॉकिंग है कि नुसरत जहां जो एक इंडियन मुस्लिम लेडी है वो अपने हिंदू हस्बैंड के साथ मैरिज को इलीगल कहती है, सेइंग दैट दे did not do the customs that they had to do to make their marriage legitimate in India. Aur dusri aur we have Aamir Khan divorcing his second Hindu wife. Now there are rumors that he has relationship with probably another actress, but that is rumors. I am not going to talk anything on rumors, but main yahan pe sirf ek fact aapke samne rakhna chahti hu, sabhi hindu ladkiyon ke samne rakhna chahti hu, that love jihad is not a fiction of the right wing activist. Love jihad is serious. It exists in the lower belt jahan par madrasa pass out logo ko obviously kaha jata hai ki aap hindu ladkiyon ko trap kariye, unko pregnant banaiye, unke sath shaadi kariye aur unko fir chhod dijiye, unko ye karne ke liye paise bhi diye jate hain. Dusri aur we have the intellectuals who obviously do this in the name of love going out of fashion. Ji haan, Aamir Khan and Kiran Rao ke statements are that we have fallen out of love, we will be good co-parents to our child and behave as a family but we are no more husband and wife. Very very sad. Magar ye jo fact hai iske peeche love jihad hai and that is why I as an Indian Hindu say that all Hindu girls should be careful when they fall in love with a Muslim guy because interfaith love is great but if you are being used to promote an agenda then you need to protect yourself. Namaste, Jai Hind.